हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो प्लान है 20 फीट बाई 40 फीट का है। 20 फीट इस प्लान का चौड़ाई है और 40 फीट इस प्लान का गहराई है, जैसा कि आपने टाइटल्स में देखा ही है। और ये 3 BHK का प्लान है और इसमें कार पार्किंग भी डिजाइन किया गया है। इस प्लॉट का जो मुख है उत्तर दिशा की तरफ है, ये नॉर्थ फेसिंग का वन साइड ओपन प्लॉट है, बाकी तीनों तरफ से दूसरों की ज़मीन है, दूसरों की प्रॉपर्टी है। राइट साइड, लेफ्ट साइड पे और पीछे भी दूसरों की ज़मीन और दूसरों की प्रॉपर्टी है, तो बाहर में कोई डोर या कोई विंडो नहीं ओपन कर सकते। ये प्लॉट जो है हमारे क्लाइंट शिवम कुमार जी का है, जो कि बेगूसराय बिहार इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो चलिए समझते हैं आज का प्लान। अभी हम रोड पे हैं और रोड से अभी हम अपने घर के अंदर जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं इसमें मैंने इस प्लॉट में मैंने इस इसमें मैंने फर्नीचर के डिटेल भी इसमें इंक्लूड किए हैं। तो अभी चलिए समझ लेते हैं आज का प्लान। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी हम रोड पे खड़े हैं और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लाइन, जो हल्की सी लाइन जो दिख रही है आपको स्क्रीन पे, आपके मोबाइल स्क्रीन पे या लैपटॉप की स्क्रीन पे, जहाँ भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो आप हल्की लाइन जो आप देख रहे हैं, ये जो है बालकनी का लाइन है। यहाँ पे बालकनी का प्रोजेक्शन है, ये बालकनी की लाइन है जो कि घर के बाहर की तरफ है, 40 फीट से बाहर है। यहाँ पे जो चौड़ाई है बालकनी का 2 फीट है और बीच में ये 4.5 फीट है। तो कुछ इस तरह से ये बालकनी का जो डिज़ाइन किया गया है ताकि हमारा घर का जो देखने में एक लुक आता है, जो शो आता है, एक अच्छा लुक आता है एक अच्छे बालकनी से। तो चलिए अभी समझ लेते हैं। बालकनी के ठीक नीचे से अभी हम अपने घर के अंदर जाएंगे यहाँ पे। और ये है जो आप देख रहे हैं 8 फीट चौड़ा यहाँ पे लोहे का गेट आएगा, जो कि लोहे का जो गेट आएगा ये ओपन होगा, तो सीधे हमारी जो कार है हमारी कार पार्किंग एरिया में चली जाएगी। तो कार पार्किंग के लिए इसमें एक स्मॉल कार पार्किंग डिज़ाइन किया गया है। 13 फीट 5 इंच का स्पेस है, जगह है, जिसमें हमारी कार जो है बहुत आसानी से पार्क की जाएगी। छोटी वाली जो कार आती है वो इसमें आसानी से पार्क की जाएगी। तो यहाँ पे जो इसका चौड़ाई है कार पार्किंग का 8 फीट 7 इंच है यहाँ पे, तो इसमें एक छोटी वाली जो कार, स्मॉल जो कार आती है वो इसमें आसानी से पार्क करेंगे। इसके बाद से यहाँ आगे जाएंगे तो यहाँ पे 4 फीट का पैसेज के लिए यहाँ पे जगह है। और इधर से हम होते हुए हम अपने सीढ़ी को, यह हमारी जो सीढ़ी है वो ऊपर की तरफ जा रही है, इधर से सीधे आगे की तरफ होती जाएगी सीढ़ी। और इसी सीढ़ी के ठीक नीचे हमारी जो कार है वो पार्क की जाएगी। तो यहाँ पे सीढ़ी का जो चौड़ाई है 3 फीट है और इसमें जो ट्रेड डिजाइन किया गया है 10 इंच का है, जिस पर अपना पैर रखते हैं उसको ट्रेड बोलते हैं। जो राइजर है वो उसमें 7 इंच का डिजाइन किया गया है। तो यहाँ तक तो ये यहाँ पे 3-4 स्टेप्स तो यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद से सीढ़ी सीधे स्ट्रेट हो जाएगी, सीधे सीधे आके इधर हमारे सीधे बालकनी पे आके हम सीधे फर्स्ट फ्लोर में आ जाएंगे। तो सीधे हमारी जो सीढ़ी जो रेस्ट करेगी सीधे हमारी बालकनी पे आ जाएगी, तो इधर फर्स्ट फ्लोर में आ जाएंगे। तो अभी इधर चलते हैं अपने राइट साइड पे, माफ करें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, मैंने यहाँ पे गेस्ट रूम भी डिजाइन किया है जिसको आप एज ए ड्राइंग रूम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गेस्ट को हम बाहर से ही अपने घर के अंदर लेके जा सकते हैं। इसके लिए बाहर से एक दरवाज़ा भी दिया गया है इसमें 3 फीट बाई 7 फीट का, और एक विंडो है यहाँ पे जिसका साइज है 4 फीट बाई 4 फीट का, बड़ा विंडो है जिससे बाहर से जो रोशनी आएगी वो सीधे हमारे गेस्ट रूम में जाएगी, तो जिससे रोशनी की कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी इस कमरे के लिए। यहाँ पे 2 सोफे प्लेस कर रखे हैं और इसमें एक सेंट्री टेबल भी है, तो इसको आप ड्राइंग रूम या गेस्ट रूम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और दरवाज़ा दिया गया है इस कमरे के अंदर जो कि 2.5 फीट बाई 7 फीट का है, तो हम अपने घर के अंदर से भी इस कमरे के अंदर आ सकते हैं। तो ये हमारा मेन डोर है। इसके बाद से अभी आगे चलेंगे तो 4 फीट चौड़ा भी यहाँ पर भी एक डोर भी डिज़ाइन किया गया है, और एक विंडो जो है इसका भी साइज़ है 4 फीट बाई 4 फीट का, तो यहाँ पर भी बड़ा विंडो मिल जाता है, तो बाहर से जो रोशनी आएगी सीढ़ी की तरफ से वो सीधे हमारे हॉल के अंदर आ जाएगी। यहाँ पे लिविंग एंड हॉल डिजाइन किया गया है, तो इसके बारे में मैं बात करूँगा। लेकिन जैसे हम घर के अंदर एंटर करेंगे तो यहाँ पे हॉल से ही हम अपने टॉयलेट एंड बाथरूम में जा सकते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही टॉयलेट एंड बाथरूम डिज़ाइन किया गया है ताकि हमारे गेस्ट को घर के अंदर नहीं जाना पड़े। ये कॉमन टॉयलेट एंड बाथरूम है, तो इसको हमारे गेस्ट भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे 9 फीट 6 इंच इसका लंबाई है और 4 फीट 8 इंच इसका चौड़ाई है, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा यहाँ पे टॉयलेट एंड बाथरूम मिल जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं टॉयलेट का जो सीट है यहाँ पे फिक्स किया गया है इस डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जो टैप है इस वाली वॉल पे आएगी। और यहाँ पे हैंड वॉश के लिए वॉश बेसिन भी दिया गया है। तो अभी इसमें जाने के लिए जो D1 का जो साइज़ है, इसमें जो दरवाज़ा है इसका साइज़ है 2.5 फीट बाई 7 फीट का, जो कि आगे भी D1 का इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए अभी चलते हैं अपने हॉल के अंदर। यहाँ पे जब घर के अंदर एंटर करेंगे इस दरवाजे से, तो यहाँ पे जो इसका हॉल का जो साइज़ है 12 फीट इसका लंबाई है और 9 फीट 7 इंच इसका चौड़ाई है। इसमें डाइनिंग टेबल भी प्लेस किया गया है जिसका इस्तेमाल हम डाइनिंग के लिए, खाना खाने के लिए करेंगे। यहाँ पे सोफे प्लेस किए गए हैं जो कि 2 फीट बाई 4 फीट के सोफे हैं यहाँ पे,
300 पे है यहाँ पे। इसके बाद भी हमको काफ़ी स्पेस मिलता है, तो ये हमको इसको आप चाहें तो एज ए लिविंग रूम के तौर पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के जस्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक किचन भी डिज़ाइन किया गया है। इसमें T1 सेमी दरवाज़ा है जो कि हमारे टॉयलेट एंड बाथरूम के लिए था। तो यहाँ पे इसमें जाने के लिए ये दरवाज़ा मिल जाता है। और किचन का जो इसमें लंबाई है, जैसे कि आप देख रहे हैं, 9 फीट 7 इंच इसका लेंथ है जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, और इसका जो चौड़ाई है 6 फीट 1 इंच है। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड साइज़ का किचन मिल जाता है। किचन की स्लैब पे हमारी गैस स्टोव आ रही है जो कि सेमी एज पर ये सेमी वास्तु शास्त्र के हिसाब से ये डिज़ाइन किया गया है, जो कि खाना बनाने वाला जो भी व्यक्ति है, जो भी पर्सन है, उसका मुख जो है वो पूरब दिशा की तरफ होगा। इसके लिए यहाँ पे किचन का जो स्लैब किचन का जो गैस स्टोव है, इस यहाँ पे इस वाली स्लैब पे रखा गया है। यहाँ पे हमारी पॉट वॉश के लिए सिंक मिल जाती है। इसमें एक शाफ्ट भी डिज़ाइन किया गया है। शाफ्ट का जो यहाँ पे साइज है, जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 फीट 6 इंच बाय 2 फीट का है, तो जिससे यहाँ पे ये ओपन रहेगा छत में। यहाँ पे ये यहाँ पे कोई कंक्रीट नहीं आएगी, और ये वाली दीवार भी आएगी, यहाँ पे भी दीवार आएगी, लेकिन इसी दीवार में यहाँ पे एक विंडो फिक्स होगा, खिड़की, जिसका साइज है यहाँ पे 2.5 फीट बाय 4 फीट का। तो इस किचन के अंदर का जो धुआं होगा वो इस विंडो से, इस शाफ्ट से होकर बाहर की तरफ चला जाएगा। तो अभी आ जाते हैं किचन से बाहर यहाँ पे हॉल में, और हॉल से चलेंगे अपने यहाँ पे रूम्स को देख लेते हैं। यहाँ पे एक रूम है जिसको एज ए मास्टर बेडरूम यूज़ करेंगे। यहाँ पे इसमें जाने के लिए हॉल से ही जाने का इसका रास्ता है। यहाँ पे 3 फीट बाई 7 फीट का दरवाज़ा है, और यहाँ पे मास्टर बेडरूम का जो साइज़ मिल जाएगा, यहाँ पे इसका जो लेंथ है 12 फीट, इसका लंबाई है इस कमरे का जो कि इस दीवार से लेकर यहाँ तक है, और 9 फीट 6 इंच इसका चौड़ाई है। 6 फीट बाई 6 फीट का बेड प्लेस कर रखा है, लगा रखा है इसमें, और इसमें टेबल और चेयर भी प्लेस कर रखा है। इसके बाद भी इसमें काफ़ी जगह मिल जाता है, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को आप अपने हिसाब से इसमें अरेंज कर सकते हैं। इसमें एक विंडो मिल जाता है यहाँ पे 2.5 फीट बाई 4 फीट का, जो कि शाफ्ट वाली दीवार पे है। तो शाफ्ट के अंदर जो रोशनी आएगी वो इस विंडो से हमारे कमरे के अंदर आएगी, और जब जब हमारी शटरिंग उतर जाती है तब हम यहाँ पे लोहे की जाली लगा देते हैं, जिससे सिर्फ इसके अंदर रोशनी आती है, और इसमें जो वेंटिलेशन के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन रहता है यहाँ पे। तो अभी आ जाते हैं यहाँ से बाहर अपने लिविंग एरिया में, अपने हॉल में, और हॉल से अभी चलेंगे अपने इस बेडरूम में। यहाँ पे 3 फीट बाई 7 फीट का दरवाज़ा है, और इस बेडरूम का जो विंडो है जो कि हमारे हॉल वाले पोर्शन में ही ओपन होता है, 4 फीट बाई 4 फीट का बड़ा विंडो है, जिससे हॉल के अंदर जो रोशनी आएगी इस विंडो से, वो इस विंडो से हमारे इस कमरे के अंदर भी उजाला रहेगा। यहाँ पे जो इस कमरे का जो साइज़ है 12 फीट इसका लंबाई है, और 8 फीट 7 इंच इसका चौड़ाई है। 6 फीट बाई 6 फीट का यहाँ पे बेड भी प्लेस किया हुआ है, ताकि इसमें आप देख सकें इसमें और भी चीज़ों को आप कैसे इसमें अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद भी ये काफ़ी स्पेसियस कमरा है ये। यहाँ पे टेबल और चेयर भी मिल जाती है, जिसका इस्तेमाल आप बैठने के लिए कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्लान अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और घंटी का बटन इस वीडियो के ठीक नीचे आप रेड कलर में जो सब्सक्रिप्शन के बाद है आप देखेंगे, वहाँ पे घंटी का बटन मिल जाएगा, उसको आप दबाएंगे तो सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे, जिससे आपको हेल्प मिलेगा अगर आप अपना घर बना रहे हैं इस साइज में, अगर आपका घर है तो, या मेरे बहुत सारे वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ जिससे आपको हेल्प मिलेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए अभी इसमें बात कर लेते हैं वॉल साइजेस की। तो जो इसमें दीवारें हैं बाहर बाहर की, वो सारी 9 इंचेस की हैं, और घर के अंदर की जो दीवारें हैं वो सारी 5 इंचेस की डिज़ाइन की गई हैं। 5 इंचेस की वॉल इसमें डिज़ाइन की गई हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इसका स्ट्रक्चर प्लान भी लेके आऊँ, अगर आपको ये लगता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, और अगर आपका कोई प्लॉट है जिसका आपको नक्शा चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। व्हाट्सअप का जो नंबर है इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्लान के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।